नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज जो क्लोजिंग होती है वो होता है 9 रुपया 15 पैसा पे, और जबकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 9 रुपया 75 पैसा पे हुआ था। आज ओपन होता है इसी प्राइस पे और हाई लगाते हैं 9 रुपया 90 पैसा पे, और उसके बाद जैसे शेयर थोड़ा देर ऊपर जाता है उसके बाद फिर दिन भर ऐसे नीचे ही आते रहते हैं और लास्ट में क्लोज हो जाता है 9 रुपया 15 पैसा पे, जबकि लो था आज का 9 रुपया 5 पैसा। कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज करीब 60 पैसा की गिरावट से, यानी 6% की गिरावट से आज बंद हुआ। चलिए बात कर लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज की। डिलीवरी परसेंटेज हमेशा अच्छा ही होता है वैसे, लेकिन जब जब ट्रेनेबल क्वांटिटी बढ़ जाता है तो थोड़ा घट जाता है। आज की डिलीवरी परसेंटेज इसमें 40% की है, जो की काफी अच्छा है डिलीवरी परसेंटेज। एग्जैक्ट डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 21,45,82,012 का हुआ है, और ट्रेडेबल क्वांटिटी होता है आपका 54,26,491। तो आज हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहला जो बात होगा वो तो होगा आपका टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा क्या होगा एक ऑप्शन चेंज का डाटा हम लोग देखेंगे, और तीसरा जो होगा जो कई लोगों का डाउट है, जो लोग 10 के लेवल पे 11 के लेवल पर लिए हैं 12 के लेवल पर लिए हैं वो लोग क्या करें उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले टेक्निकल एनालिसिस पे। तो देखिए हम आ गए वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पे, और टेक्निकल चार्ट पे अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम नजर आता है आज का सपोर्ट, जो कि आज लिया है 9 रुपए के लेवल पर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि 9 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके बाद जो अच्छा सपोर्ट है वो 8 का लेवल का है, और 8 का लेवल जो कि सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आता है। अगर अगर 8 टूट गया तो इसके बाद शेयर डायरेक्ट 7 के लेवल पर आएगा, और 7 पे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ बन रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये शेयर लगातार ऊपर पे 12 रुपया 50 पैसा और नीचे 9 रुपये के आसपास में एक दिन गया था 8 के लेवल पे, उसको हम छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ये शेयर इस लेवल में फंसा हुआ है। तो ये शेयर कभी यहीं से हो रहा है 9 से 10, 10 से 9, 9 ऐसे इसी लेवल में आजकल तो यहीं फंसा हुआ है। शुरुआत में गया था उसके बाद एक गिरा ही है। तो एग्जैक्ट की अगर बात करें तो एग्जैक्ट आप देख लो इसमें क्या हुआ है, एग्जैक्ट ये 9 लेवल और ये 2 दिन छोड़ दो हटा दो तो बिल्कुल यहाँ पे इस लेवल में बिल्कुल फंसा हुआ है, इस लेवल को क्रॉस कर दो तो आप देख सकते हो इसके अलावा ये शेयर कहीं गया ही नहीं है। तो ऐसा कितने दिनों से हो रहा है एक कैंडल आप काउंट कर लो, उतना डेज आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों से ऐसा हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि 9 एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करते रहा है, और 9 टूटने के बाद 8 करेगा और 8 के बाद 7 करेगा। अगर एमएसडी और आरएसआई की बात करें तो एमएसडी आरएसआई आप देख लो कैसा है इसका। तो देखिए एमएसडी की अगर बात करें तो एमएसडी इसका सेल का सिग्नल यहाँ दे चुके हैं, और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आप देखो RSI बिल्कुल अभी न्यूट्रल है, न कोई सेल का सिग्नल दिया है न कोई बाई का सिग्नल दिया है, तो बिल्कुल MACD और RSI से बोल सकते हैं। MACD तो दे दिया है सेल का सिग्नल, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो दिन है 24 के आसपास का जो मर्जर का दो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा, तो मुझे लगता है कि अगर शेयर में थोड़ा सा भी पॉजिटिव आता है न्यूज में तो ये शेयर आपको एक बार फिर से 10, 11, 12 के लेवल में मिलेगा। वहां पे जो लोग एग्जिट नहीं कर पाए थोड़ा एग्जिट कर देना, उसके बाद में आप इसमें एंट्री कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आता है सर हम क्या करें 10 के लेवल फंस गए 11 के लेवल फंस गए, इवन कई लोग तो 12 रुपया 40 पैसा 50 पैसा के आसपास में भी फंसे हुए हैं, तो उनके लिए यही होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, वो रात रात उन्हें नींद नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इससे अगर ये लेवल आपको मिलता है आप एग्जिट कर लेना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें तो अच्छा खासा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये आपका पेशेंस का टेस्ट करेगा अभी शुरुआती के लेवल में, जब तक न्यूज अच्छा खासा पॉजिटिव नहीं आता है ये आपके पेशेंस को चेक करेगा, और अगर आपका में पेशेंस है तो आप इसको होल्ड कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और AGR के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो AGR के बाद, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हर्डल यही है AGR के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो जिन्हें परेशानी होती है थोड़ा टेंशन में आते हैं वो लोग बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लो, आपको ऊपर का लेवल रिजल्ट के बाद मिलेगा, और रिजल्ट में थोड़ा सा भी पॉजिटिव या इंडस मर्जर डील होता है तो शेयर आपको ऊपर तुरंत आराम से 10 या 11 के लेवल 12 के लेवल मिल जाएगा। 12 के लेवल तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन 10, 11 के लेवल आप मान सकते हो मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन का डाटा पे। देखिए ऑप्शन चेन का डाटा शुरू करने से इसी मैं बता दूं आपको पहले कि ये शेयर 2 दिन से FNO बैन था। FNO बैन था इसका मतलब है कि इसमें अनवाइंडिंग ही होगा, इसमें कोई बाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस डाटा पे बहुत ज़्यादा हम रिलायबल नहीं होंगे, क्योंकि ये डाटा बिल्कुल 2-3 दिन पुराना डाटा रहेगा, उसमें भी कई डाटा ये रहेगा जो कई लोग अनवाइंडिंग करेंगे, जो इसमें क्योंकि राइटिंग अलाउ नहीं था क्योंकि 2-3 दिन से FNO बैन था तो इसलिए इसमें राइटिंग अलाउ नहीं था, मंडे को FNO से बाहर हो जाएगा उस दिन से हमें एग्जैक्ट इसका ऑप्शन चेन का डाटा मिलने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डाटा क्या सजेस्ट करता है हमें ऑप्शन चेन का। हम अभी पुट की साइड बात करें
ये क्या होता है, अगर हम पुट की साइड की बात करें तो पुट साइड में यानी हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट में अभी देखो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किस लेवल पर नजर आता है, सबसे बड़ा सपोर्ट अभी भी आपका ये 5 रुपए का लेवल बना हुआ है, कई दिनों से 5 का लेवल बना हुआ है, जो लोग उस समय इसमें राइटिंग कर दिए थे वही उन्हीं का ये बना हुआ है, पुराना सा है। उसके बाद आप देखो इधर कंटिन्यूसली अनवाइंडिंग आ रहा है, एडिंग क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बता दिया, राइटिंग इसमें अलाउ नहीं था क्योंकि ये क्या था, एफएनओ बैन था, ये एफएनओ बैन था इस कारण हमें इसमें अलाउ नहीं हो पा रहा था इसमें, तो इसमें राइटिंग आपको कहीं भी न कॉल साइड में न पुट की साइड में देख लो दोनों साइड में आपको इसमें राइटिंग नहीं मिलेगा, किसी लेवल पर बात कर लो किसी लेवल पर आपको राइटिंग देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको रीजन पता है, क्योंकि ये एफएनओ बैन था। और देखो 6 लेवल पर सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग हुआ है, अनवाइंडिंग ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 7 पे ये सब अनवाइंडिंग ही सिर्फ आ रहा है क्योंकि एफएनओ बैन था। तो अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारा 5 लेवल पे, उसके बाद सपोर्ट है अपना 6 का, और इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल चार्ट से हमें जो सबसे अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है 9 का, और 9 के बाद 8 का है, और 8 जैसे टूटता है हमें 7 का लेवल दिख सकता है। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट की बात करूँ अगर, तो सपोर्ट हमें नजर आता है 9 का, बहुत अच्छा सपोर्ट है, 9 टूटता है जो दूसरा सपोर्ट हमें बनता है 8 रुपये का। ये सपोर्ट सबसे अगर अच्छी मैं सपोर्ट की बात करूँ तो हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट 8 का ही बनता है। पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के साइड यानी हम कॉल के साथ में बात करेंगे तो देखो हमें सबसे बड़ा जो ओवाई नज़र आता है वो 10 के लेवल पर आते हैं, और उसके बाद अब देखो यहाँ 12 पर और इधर 16 पे, इवन 10 से थोड़ा सा ही कम, इवन 10 के बाद सबसे बड़ा ओवाई हमें नज़र आता है 16 के लेवल पर, उसके बाद नज़र आता है हमें 14 के लेवल पर, उसके बाद हमें नज़र आता है 12 के लेवल पर। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबसे बड़ा हमें जो हर्डल है वो 10 का लेवल फिर से बन चुका है। तो इसमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में नजर आएगा एग्जैक्ट कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये डाटा पुराना है थोड़ा सा, इसमें सिर्फ अनवाइंडिंग ही हमें नजर आ रहा है, और अनवाइंडिंग सबसे ज़्यादा आप देखो कहाँ पे हुआ है, अनवाइंडिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है 12 के लेवल पे, 13 के लेवल पे, 14 के, 15 के, ये सब। तो इससे ऐसे अगर ये डाटा रहता मतलब राइटिंग होता रहता और अनवाइंडिंग होता रहता तब तो ये डाटा हम बोलते कि शेयर अभी ऊपर जाने के बेचैन है, लेकिन चूंकि इसमें राइटिंग नहीं हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा डाउट में है क्योंकि अनवाइंडिंग कारण। इसी डाटा से अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमें बनता है 10 का, और अगर 10 का हर्डल पार करता है तो आपको इजली 11 का लेवल, 11 तो नहीं लेकिन 10 पैसा 80 पैसा 90 पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो इस सेल में एक चीज कर सकते हो कि आप शेयर को सेल कर सकते हो ऊपर लेवल पे, लेकिन वो थोड़ा रिक्सी हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं एक न्यूज़ पे जिसमें हमें क्या नज़र आता है आगे वोडाफोन का भविष्य। देखिए न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स का है, इसमें लिखा गया है वोडाफोन आइडिया है वो करीब 2000 करोड़ के आसपास में इसमें जमा कर सकता है, इसलिए स्टैगर्ड पेमेंट बेनिफिट। ये क्या होता है स्टैगर्ड पेमेंट बेनिफिट, ये होता है कि पहले से कोई प्लानिंग ना हो कि हमें पैसा जमा करना है, और उसको एकाएक जो हम जमा करते हैं उसको स्टैगर वर्ड दिया जाता है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसका आप मतलब समझो वोडाफोन आइडिया है 2000 करोड़ रुपया जो अगली हियरिंग है उससे पहले जमा कर सकता है। कैसे जमा कर सकता है उसके हम देख लेते हैं, जो इनका आपको पता है मर्जर जो डीलिंग होने वाली है, जो मर्जर में अपना स्टेक बेचेंगे उसके थ्रू इन्हें करीब 3600 करोड़ का पेमेंट मिलेगा, 3600 करोड़ वहां से मिलेगा, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि 6000 करोड़ के आसपास में इनका जो पेरेंट कंपनी है यानी वोडाफोन पीएलसी करीब करीब इसमें 6000 करोड़ और इसमें डालेगा। टोटल हम लोग बात करें तो करीब करीब 10000 करोड़ इसमें नजर आता है कि इसमें और इन्फ्यूज हो सकता है आगे आने वाला टर्म में आसानी से। तो इन 10000 में से कुछ पैसा वो उसमें एज अ पेमेंट जमा करेंगे। अगर आपको पता हो तो जो एयरटेल है, एयरटेल करीब करीब 41% अपना एजीआर ड्यूज जमा कर चुका है। कौन ने किया है? एयरटेल 25% के आसपास में, जो टाटा टेलीकॉम है वो कर दिया है, और रेस्ट जो अपना वोडाफोन आइडिया है वो सिर्फ 12% किया है। तो इतना में कम में काम तो चलेगा नहीं, तो इन्हें कम से कम और नहीं भी तो 25% के आसपास में इन्हें करना चाहिए था, जिसमें 12% कर दिए हैं, रेस्ट आने वाले दिनों में ये कर सकते हैं। मिनिमम मतलब अगर आप बात करो तो ये अभी तक करीब 7000 करोड़ के, 6.5 से लेके 7000 करोड़ के आसपास में अभी तक जमा कर चुके हैं करोड़, और इतना ही और आने वाला समय में इन्हें जमा करना होगा, क्योंकि जो पूरा पैसा आ रहा है करीब 10000 करोड़ के आसपास में अगर पूरा कर दें तो इन्हें अपना सर्विस भी चलाना है। सर्विस में क्या क्या आता है आपको पता ही है, कई तरह का अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना पड़ता है, जो आगे आने वाले फ्यूचर है उन्हें अडोप्ट करना पड़ता है, जैसे 5G हुआ 6G हुआ, कई टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ता है, तो सब पैसा यहाँ खर्च नहीं किया जा सकता, प्लस में प्रॉफिट ये सब होगा तो सब कुछ देख के इसमें
पैसा पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पैसा एक साथ पेमेंट कर दें, वैसा कर दे देते तो एक पल के लिए हमें एजीआर से तो छुटकारा मिल जाता, लेकिन एजीआर से छुटकारा मिलकर करेंगे क्या? आपके हाथ में पैसा ही नहीं तो आप बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकते हो। इसलिए बिजनेस में चलता है ऐसा कि लोन लोग लेके चलाते हैं, जो इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार वो पैसा पेमेंट करते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उनकी जो 10 के 11 के 12 के लेवल में फंसे हुए हैं या 12.5 के लेवल में फंसे हुए हैं, उनकी अगर मैं बात कर लूँ अब तो उनके लिए मैं बता दिया अभी आने वाले दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है और अच्छा खासा पॉजिटिव भी न्यूज़ बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो बताया जो पैसा मिलने वाला है इंडस मर्जर डील से, जिसमें अपना स्टेक बेचेंगे प्लस वोडाफोन का जो पेरेंट कंपनी है वो भी कुछ इसमें पैसा डालेगा, तो अगर ये दोनों न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो आपको इजिली 10 के लेवल पे 11 के लेवल पे और 12.5 के लेवल पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा। उस समय बाइंग का मौका नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, उस समय कई लोग दोबारा बाई कर लेंगे। बाई आपको एजीआर पेमेंट के बाद ही करना है, क्योंकि देखो हो यही रहा है कि लोग ऊपर के लेवल पर जाकर फंस जा रहे हैं और फिर उन्हें रात रात भर नींद नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप में पेशेंट है तो आप बाई करो 12 के ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट नहीं है तो आप सेल करो ऊपर के लेवल पे, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कई लोग तो मुझे वीकेंड पे भी कई कई बार मैसेज करते रहते हैं। एक खास वीडियो बनाने का यही रीजन था कि मैं बार बार हर किसी को मैसेज के द्वारा रिप्लाई नहीं कर सकता था। बिल्कुल वही कि अगर आपका प्राइस मिलता है तो उस पर आप एग्जिट करो, उस पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि फिर वही हो अगर शेयर दोबारा नीचे आता है 8 या 9 पे तो फिर से बार बार मैसेज करोगे कि सर क्या करें क्या करें। इसलिए कि आप थोड़ा सा एजीआर के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करो, और जो लोग अच्छा खासा जिनमें पेशेंट है वो होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए ऑफर क्या है। ऑफर है आपको फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का मौका मिला आपको स्टॉक में, और फ्री में 1999 रुपये का आपको मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, तो आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं। ब्रोकरेज आपको सोचो 30 दिन के लिए फ्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप टोटल कैलकुलेशन कॉस्ट करो कितना रुपये का आपको फायदा मिल रहा है, तो अगर आप एवरेज मानो तो हम आसानी से 2000 से 3000 के आसपास में, 2000 प्लस ही बोलो, 5000 भी हो जाता है ब्रोकरेज में खर्च कर देते हैं। तो सोचो ये सब चीज़ें आपको फ्री मिल रहा है 1 महीना के लिए, और ये 1999 रुपये का जो है ये 1 ईयर का रहेगा, बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पता है आपके पास 2 अकाउंट कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जिससे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो अकाउंट फेल हो जाता है, उस दिन काम नहीं करता या फिर डाउन हो जाता है, तो एटलीस्ट 2 रहे तो हमारे पास सही रहता है। या आप ऐसा चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग कर सकते हो और लॉन्ग टर्म अकाउंट अलग कर सकते हो, तो आपको जैसी मर्जी है, आप चाहो तो खुलवा सकते हैं। और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करते हो तो आपको ये सब तीनों बेनिफिट मिलता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लेना। और आप चाहो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ये बहुत बेनिफिट चैनल है। आप देखो इस पर मैं सारा न्यूज का अपडेट डालता हूँ, कौन से कंपनी का कब रिजल्ट आ रहा है, कुछ इसमें टेक्निकल देखो चीज़ें भी इसमें मैं डालता हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। कल कौन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, कल क्या होने वाला है, सब चीज़ हम इसमें डालते हैं। प्लस में इसको मैं आपको क्या मिलता है, आप देखो जो एजीआर हीटिंग था इसमें मैं सारा अपडेट टाइमली आप कुछ दिन किया था, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें मिलता है आपको एक डिस्कशन ग्रुप। देखो डिस्कशन ग्रुप में कोई भी कुछ भी इसमें सवाल कर सकता है, और इसमें पर्सनली मैं भी आंसर देता हूँ और लोग भी हैं जो लोग आंसर करते हैं, तो आप इसमें अपना कुछ भी चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देखो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो यहीं मिल गया आपको कि ये डालें कि वोडाफोन आइडिया जो है वो मंडे के लिए क्या है उससे बाहर है। देखो 22 जून के लिए है कि उस दिन कौन कौन कंपनी में है, ये सब भेल है, स्कॉट है, NCC है, सेल है, PNB है, सब है, इसमें वोडाफोन आइडिया आपका पेन में नहीं है। तो देख सकते हो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो और ये चैनल हो सकता है। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।